प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग बेटी अपने घर से भागती है और वो एक दरिंदों की शिकार बन जाती है। इसी कमरे में रहती थी 8 महीने तक बाप ने मिलकर शारीरिक हवस की शिकार बेटा किस कमरे में रहती थी बेटी की इसी कमरे में थी। अपनी जुबानी सुनिए क्या है क्या इनके पिता क्या हरकत करते हैं। इनके पापा ने तो पीने में दो बार हरकत उल्टी कर ली थी हमारे साथ में। लड़का भी करता है ये भी करते हैं। लड़का रोज करता है। तो अब कहाँ जाना चाहती हो? घर जाना चाहती हो या यहाँ रहना चाहती हो? नहीं रहना चाहती मैं। मतलब यहाँ तो कैसे आई थी? धोखे से बुलाया था या किस से बुलाया था समझो? लड़के के मतलब इसमें आ गई थी तो हम नहीं आते इतने दूर। हमें लड़के से कैसे आ गई धोखे में? मतलब लड़का कह रहा था कि तुम आ जाओ मम्मी मेरी। क्यों कह रहा था ऐसे अचानक से? तो नहीं कह रहा होगा ना ले जा रही थी इसके वजह से। लड़के से उस लड़के के और तुम्हारे बीच में कुछ था? बात बात करते थे। कब से? बहुत 3 साल से। मतलब 3 साल से तुम लोग बात कर रहे हैं। उस लड़के के कहने पे तुम यहाँ आ भी गई? हाँ, यहाँ पे किससे आई तुम? मतलब उनने जैसे बुलाया था वैसे वैसे आ गई। तो अकेली आई हो किसी साथ आई थी? अकेली आई थी इंदौर से। अच्छा ये बताओ इनके पिता और लड़का बेटा लड़का और पिता ही शोषण करते हैं या और भी कोई आता है तुम्हारे पास? कोई नहीं आता सर, बस ये दोनों। मतलब किस तरीके से? मतलब क्या मतलब सामने ही नहीं? इसमें जो सूचना मिली थी उस पर उनको मुक्त बच्ची को मुक्त करा दिया गया है। उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है और जिन लोगों ने बंधक बनाया था अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आगे इसमें जो भी कार्रवाई न्यायोचित होगा वो कार्रवाई कराई जाएगी। बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? कब यहाँ पर आई थी? कुछ कब से रह रही थी? अभी बच्ची के बारे में था कि वो अपनी स्वेच्छा से आई हुई थी और जिनके साथ रह रही थी उसके वहाँ के लोग मध्य प्रदेश गए हुए थे किराएदार के रूप में थे और वहीं से परिचय हुआ था। उसी के बाद ये आकर के यहाँ रहना शुरू की थी और शिकायत के बाद इस पर जो है कार्रवाई की गई है। बच्ची ने अपने एक वीडियो बना के वायरल किया है तो ऐसा क्या हुआ था कि उसको वायरल करना पड़ा फिर आप लोग जानकारी में आए? नहीं अभी ये हो सकता है कि वो वायरल करके वो बताना चाह रही हो तो ये तो अब पूरी विवेचना में आएगा कि क्यों की किसके कहने पर की क्या बात था तो ये विवेचना में स्थिति स्पष्ट होगी।